उस पर कंपनी लगभग 2660 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा करेगी जो इस साल लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास था ऑब्वियसली कंपनी ने और एक चीज़ की है ग्लैनमार्क लाइफ में जो हिस्सा बेचा है उसके बाद डेट इन्होंने कम कर दी और नेट लेवल पे अब कैश पॉजिटिव हो चली है कंपनी तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कॉस्ट बेनिफिट भी आपको किक इन होता हुआ दिखाई पड़ेगा और शायद ये बाजार को पसंद आई है बात जिसके बाद स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं इसी तरीके से इरेडा बहुत ही शानदार गाइडेंस है कंपनी का टारगेट है कि Uh, साल 2030 तक uh, लगभग लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ की ऑर्डर बुक यानी जो लोन बुक है वो कर दें और कहीं ना कहीं फिफ्टी परसेंट सी की ग्रोथ बाजार को पसंद आ रही है सुबह दो सौ का लेवल छू क्या है काउंटर और अभी लगभग चार परसेंट की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है और एफ का इंक्लूजन भी यहाँ देखने को मिल रहा है और आखिर में एफल यहाँ भी अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार रिजल्ट रहे हैं पाँच करोड़ का रेवेन्यू जो पिछले क्वार्टर लगभग चार सौ करोड़ के आसपास का था प्रॉफिट में भी अगर आप देखें तो अच्छी वृद्धि है जिसके बाद शेयर में आप पाँच सात परसेंट का इनिशियल अपटिक देख रहे हैं शुक्रिया यतिन शुक्रिया स्टॉक्स ऑफ द डे स्क्रीन पर रखने के लिए आ, टू टू नाइन सेवन एट ये निफ्टी का स्तर है स्टॉक्स ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पे हैं सारे के सारे एडलैंड फार्मा एरिडा और एफल इंडिया एक बार डायरेक्टर साहब निफ्टी 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 की तेईस सौ की कॉल पुट का आउटस्टैंडिंग वाई रखिएगा स्क्रीन पर और मैं देख रहा हूँ कि आई थिंक इंट्रा में तेईस की कॉल पे कंसेंट्रेशन काफी बढ़ गया है और तेईस सौ की दो तेईस एक सौ की पुट भी जरा प्लीज़ तेईस हज़ार माफ़ कीजिएगा यहाँ पे कितना आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग आई है कॉल पे करीब एट्टी फोर पॉइंट एट का और एक बार पुट लेके आइए जरा प्लीज़ तेईस हज़ार की मैं देख रहा हूँ आई थिंक कल भी मतलब शुक्रवार को भी यहीं पर कंसनट्रेशन था बहुत ज़्यादा पुट 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 पुट, पुट. यहाँ पर भी ऑलमोस्ट एट्टी सिक्स यानी सिमिलर क्वान्टम में कॉल और पुट्स के ओ खड़े हैं बट इसमें कोई द्रा नहीं है कि इंडेक्स ऑफ द डे इट्स निफ्टी बैंक

यहाँ पे ना बस इशू एक ही आएगा एच डी एफ बैंक में एच डी एफ सी बैंक में बहुत लंबी एक टाइम कंसोलिडेशन हुआ है इनफैक्ट वो चार्ट वापस रखे एक बार जरा वो टेक्निकल चार्ट जो था स्क्रीन पर बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट था वो हुँ. जो अभी अभी आया था आपके हुँ. स्क्रीन पर uh, क्यों क्योंकि मैं बताता हूँ उस चार्ट में मुझे क्या इंटरेस्टिंग दिखा एक बार वापस वो टेक्निकल चार्ट रख दीजिए आएगा देखिए आपके स्क्रीन पर हाँ अब मैं बताता हूँ इस चार्ट में मुझे क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है हाँ ये वाला चार्ट ये देखिए ये एक अगर आप इसका टॉप देखेंगे ना hmm. एक बहुत बड़ा डबल टॉप नेगेट हो सकता है ये अगर ये इसी तरीके से चलता रहा स्टॉक तो hmm. इसको देखिए आप एक बार इनफैक्ट okay. हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि तीन छः महीने में कई बार ये उन लेवल्स तक गया hmm. और वहाँ से फिर स्लिप हुआ है वो लेवल मैं बता देता एग्जैक्टली कहाँ पर आएगा फिफ्टीन पर फिफ्टीन पर आएगा वो लेवल फिफ्टीन अगर क्रॉस हुआ तो एक मेजर डबल टॉप को भी नेगेट करने की तैयारी हो रही है लगा रखे हैं सत्रह सो बीस और एच डी एफ सी बैंक पंद्रह सो बत्तीस एक बार कंट्रीब्यूटर लेके आएंगे प्लीज निफ्टी बैंक के क्योंकि सारी की सारी आई थिंक जो मीन फोर्स है ना वो इस वक्त निफ्टी बैंक में ही है ये देखिए